अरुणाचल प्रदेश के तवांग में चीन को लेकर जो हुआ उससे संदेश साफ है कि भारत कहीं से भी पीछे नहीं हटने वाला। चीन की जबरदस्त पिटाई पर अरुणाचल के सीएम का बयान सामने आया। उन्होंने भारतीय सेना को अरुणाचल प्रदेश की तरफ से धन्यवाद दिया है। तो देखिए, अभी पहले का परिस्थिति कुछ अलग था, इट्स नॉट 1962 एनीमोर। अभी हम लोगों का मोदी साहब का रीजन में हम लोगों का अभी काफी आगे बढ़ चुका है। यू टॉक अबाउट बॉर्डर रीजन, जहां भी है हम लोगों का कनेक्टिविटी बढ़ चुका है। यांसी सेक्टर में पहले कनेक्टिविटी नहीं था वहां पे, अभी हमारे वहां पे यांसी सेक्टर में भी कनेक्टिविटी आ गया है। और जिस प्रकार से अपना इंडियन आर्मी ने जो चाइनीज पीएलए को जो वापस जो किया है वो काफी उन लोगों को तारीफ करने लायक है। ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश में सभी जो वीर जवानों को तहे दिल से धन्यवाद प्रकट करता हूँ। तवांग में चीनी और भारतीय सैनिकों के बीच हुई झड़प को लेकर अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है, भारत पर अतिक्रमण करने वालों को हमारे सैनिकों ने मुंहतोड़ जवाब दिया और आगे भी इसी तरीके से मुंहतोड़ जवाब देते रहेंगे। उन्होंने भारतीय सेना की वीरता की तारीफ करते हुए कहा है कि हमारी सेना ने ईंट का जवाब पत्थर से नहीं बल्कि लोहे से दिया है। इसके लिए तो ऑलरेडी हमारा जो रक्षा मंत्री है श्री राजनाथ सिंह जी ने कल पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही स्टेटमेंट दे दिया है। और इस बार जो हुआ था, जो चाइनीज जिन्होंने मतलब कोशिश किया इंडिया में अपना देश में घुसने के लिए, तो वो जगह है यांगसी सेक्टर। एंड यांगसी सेक्टर इज माई कॉन्स्टिट्यूंसी ओनली, मेरा अपना असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है। मैं हर एक साल को वहाँ पे जाता हूँ, वहाँ का जो फौज वहाँ पे तैनात है उनसे भी मिलता हूँ और अपना जो गांव वाले हैं उनसे भी मैं जाके मुलाकात जाके करता हूँ। तो देखिए, अभी पहले का परिस्थिति कुछ अलग था, इट्स नॉट 1962 एनीमोर। अभी हम लोगों का मोदी साहब का रीजन में हम लोगों का अभी काफ़ी आगे बढ़ चुका है। यू टॉक अबाउट बॉर्डर रीजन, जहाँ भी है हम लोगों का कनेक्टिविटी बढ़ चुका है। यांसी सेक्टर में पहले कनेक्टिविटी नहीं था वहाँ पे, अभी हमारे वहाँ पे यांसी सेक्टर में भी कनेक्टिविटी आ गया है। और जिस प्रकार से अपना इंडियन आर्मी ने जो चाइनीज पीएलए को जो वापस जो किया है वो काफी उन लोगों को तारीफ करने लायक है। ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश में सभी जो वीर जवानों को तहे दिल से धन्यवाद प्रकट करता हूँ कि उनकी वजह से अपना प्रदेश और ये देश जो है काफी हम लोग का सेफ गार्ड में है। ये कहते हुए और देखिए कि चाइना और इंडिया जो है बहुत बड़ा दो नेशन है, तो हमारा ये मानना है कि आने वाला दिनों में डेफिनेटली चाइना और इंडिया का रिलेशनशिप जो है वो आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि दुनिया का इकोनॉमी जो है इन दो बड़े देशों में टिका हुआ है। तो अभी मोदी साहब का लीडरशिप में हम लोग का डिप्लोमेटिक जो चैनल्स है हमेशा चाइनीज के साथ में हम लोग टॉक जो है वो हमेशा ओपन है। होपफुली आई थिंक आने वाला दिनों में रिलेशनशिप जो है। अरुणाचल के तवांग में 9 दिसंबर को भारतीय क्षेत्र में चीनी सैनिकों ने घुसपैठ करने की कोशिश की थी, जिस पर भारतीय सेना ने तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए उन्हें पीछे धकेलने पर मजबूर कर दिया था। इस पूरी झड़प के दौरान चीन और भारत दोनों पक्षों के सैनिक घायल हुए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।